हाय गाइस, वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक प्लेलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन के बारे में, और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जितने भी टाइप है एक एक चीज़ आपको प्रोजेक्शन के बारे में बता दूंगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आई थिंक नीड नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्शन के ऊपर। आई होप आपने 3D पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे जाके आप पढ़ लीजिए। देखिए, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए 3D ऑब्जेक्ट इनटू ए 2D ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में शो करवाना प्रोजेक्शन का काम होता है। लाइक आपने CAG लैब ली होगी, अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई होगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उस टाइम आप क्या करते थे, किसी भी 3D इमेज को 2D प्लेन के ऊपर शो करते थे, यानी पेपर के ऊपर बनाते थे। तो वही तो काम कर रहे थे, आपकी 3D ऑब्जेक्ट को आपने 2D ऑब्जेक्ट में शो करके दिखा दिया उसी चीज़ को, बस देखने का नज़रिया कुछ और था। लाइक आपने उस चीज़ को ऊपर से देखा, फिर आपने ड्रॉ करा, या लेफ्ट से देखा, राइट से देखा, या आगे से देखा, नीचे से देखा, तो अलग अलग तरह से आपके पर्सपेक्टिव थे उस चीज़ को देखने के, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 2D उसका प्रोजेक्शन बना के दिखाया। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द मैपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्रोजेक्शन प्लेन, यानी किसी भी प्रोजेक्शन प्लेन में मैप कर देना 3D को 2D में। तो टाइप देखो, सबसे पहले बात करता हूँ पैरेलल, फिर आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी किस नज़रिए से आप देख रहे हो किसी चीज़ को, और पैरेलल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पैरेलल चीज़, यानी कि जो वस्तु है, लाइक दिस इज़ द पेन, और इस पेन को एज इट इज़ आपने प्लेन के ऊपर बना दिया, यानी कि उसकी लेंथ भी यही रखी, उसकी विड्थ भी यही रखी, उसकी शार्पनेस भी सेम एज इट इज़ बना दिया। बट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, किसी दूर खड़ी चीज़ को आप अपने छोटे से सीन में दिखा रहे हो, लाइक इस बड़े से पेन को आपने इतने से में बना के दिखा दिया, ठीक है, तो वो पर्सपेक्टिव में आता है। तो उसमें आता है आपकी तीन टाइप, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। आप पॉइंट वाले में भी बात करेंगे ये होते क्या है एक्चुअली, लेकिन उससे पहले पैरेलल के ऊपर देखते हैं। तो पैरेलल में दो होते हैं ऑर्थोग्राफिक, एक होता है ओब्लिक्यू होता है, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक में आता है आपके मल्टी व्यू, एक आता है एक्सोमेट्रिक, है ना, एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक में तीन आते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, पढ़ेंगे इसके ऊपर भी। ओब्लिक्यू में आता है जनरल, जनरल में आता है कैवेलियर एंड कैबिनर। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे पर्सपेक्टिव के ऊपर, उसके अंदर ये तीनों पढ़ेंगे, फिर अपन आगे फर्दर पैरेलल के ऊपर पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो करें शुरू। तो देखिए, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एक्चुअली क्या होता है, द फार्दर अवे ऑब्जेक्ट फ्रॉम द व्यूअर स्मॉल इट अपियर, लाइक किसी बहुत दूर किसी पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई है, ठीक है, तो दूर से कितनी छोटी लगती है ना वो, बट एक्चुअल में तो बड़ी है। तो वही कॉन्सेप्ट है आपका किसका, पर्सपेक्टिव का। द आर्टिस्ट यूज द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन फ्रॉम एंड ड्राइंग 3D सीन्स, यानी 3D सीन है किसी भी दूर खड़ी वस्तु को छोटे से आपके पेपर के ऊपर उसको ड्रॉ करके आपको शो करके बता देगा, ठीक है, और आप एक्चुअल में वो चीज़ मतलब नापा चौकी करते हो तो वो आप वहीं निकलती है, कुछ ऐसे तिकड़म बिठाता है ये पर्सपेक्टिव। देखो, द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सपेक्टिव आर वैनिशिंग पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव फॉर शॉर्टनिंग, यानी वैनिशिंग पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे आके चीज़ गायब हो जाती है, तो वो वैनिशिंग पॉइंट हो गया। दूसरा है पर्सपेक्टिव फॉर शॉर्टनिंग, तो ड्यू टू फॉर शॉर्टनिंग ऑब्जेक्ट एंड लेंथ अपीयर स्मॉल इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, यानी किसी भी प्रोजेक्ट या लाइक आपकी झोपड़ी का सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है, तो उसके अंदर जो क्या होता है, चीज़ों को छोटा करने का काम क्या कर रहा है, फॉर शॉर्टनिंग, तभी आप किसी बड़ी चीज़ को छोटे से प्रोजेक्ट के या एक छोटे से प्लेन में शो कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर शॉर्टनिंग, ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो वैनिशिंग पॉइंट वेयर ऑल द लाइन्स विल अपियर टू मीट, यानी कि ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारी लाइन आके मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, वैनिश पॉइंट या वैनिशिंग पॉइंट। अब इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं 1, 2, 3, यानी जिसके पास एक पॉइंट है वो एक वैनिश पॉइंट है, वो 1 पॉइंट का हो गया, जिसके पास 2 वैनिशिंग पॉइंट है वो 2 पॉइंट का हो गया, और जिसके पास 3 वैनिशिंग पॉइंट है वो 3 पॉइंट का हो गया। तो ये आपकी जो हट है इसका एग्जाम्पल ले रखा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर, जहाँ पे आप देखोगे कि व्यू वॉल्यूम में आप देखोगे तो यहाँ से काफ़ी सारी लाइन होके निकल रही है और एक कॉप आइज में जा रहा है, तो वो आपका हो गया 1 वैनिशिंग पॉइंट। पहली बात तो प्रोजेक्टर आपका यहाँ से देख पा रहे हो, और ये जो XY प्लेन आपको शो हो ही रहा है। अब व्यूइंग प्लेन में आप देखो तो एक्चुअली आपकी हट कुछ इस टाइप से देखने को मिल रही है, यानी कि आप जैसे फ्रंट से देख रहे हो तो आपकी हट इस टाइप से देखने को मिल रही है व्यूइंग प्लेन में। तो ये आपका व्यू वॉल्यूम है जिसके थ्रू आप जो बड़ी इमेज है उसको एक छोटे से प्लेन में शो कर पा रहे हो, व्यू प्लेन में आप जो हट है वो देख पा रहे हो, और ये आप व्यू वॉल्यूम में आप यहाँ से इस तरह से डायग्राम शो कर सकते हो आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का। एग्जाम में बना दोगे तो भाई मजा आ जाएगा। अभी आपने ये डायग्राम देखे, ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 1 पॉइंट यहाँ पर देखो,
यहाँ पे सारी लाइन्स आगे मिल रही है, अपियर हो रही है वन पॉइंट पे, तो ये आपका एक वैनिश पॉइंट का हो गया, ठीक है, वन पॉइंट का हो गया। टू पॉइंट की बात करूँ, लाइक आपका यहाँ से पर्सपेक्टिव डेड डेस्क करके बनाते हो आप, ठीक है, अलग ही डायमेंशन में, तो वो आपका टू वैनिशिंग पॉइंट कहलाता है। पता क्यों? क्योंकि आपका देखो एक तो इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन से आ रहा था, एक वाई डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। अगर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन से मिलता है कुछ पॉइंट तो वो आपका टू वैनिशिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है, टू पॉइंट का हो जाता है। थ्री पॉइंट का वो होता है जिसके अंदर जैसे एक्स से भी आ रहा है, लाइक ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया, जिसमें एक्स से भी आ रहा है और वाई से भी आ रहा है और यहाँ पे आके मिल रहे हैं पॉइंट, लाइक आप यहाँ से भी डेड डेस्ट डेस्ट करके बना सकते हो, इस पॉइंट से भी डेड डेस्ट डेस्ट करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है थ्री पॉइंट का, तो वन पॉइंट का यहाँ देगा, टू पॉइंट का ऐसे कुछ हो सकता है, और थ्री पॉइंट का ये वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया वन टू थ्री कैसे हो रहे हैं? तो आप देखते हैं अपन पैरेलल प्रोजेक्शन। व्हाई डू वी नीड ऑफ द पैरेलल प्रोजेक्शन व्हेन वी हैव पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन? लाइक मैंने बताया कि आपने हिल स्टेशन पे कोई आपकी झोपड़ी है, उसको आपको छोटे साइज में पेपर में बना के दे दिया, बट आपको एज इट इज लाइक ए पेन, इस पेन का सेम टू सेम शेप सेम टू सेम साइज का डायग्राम ही चाहिए मुझे, तो वो आता है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन, यानी पैरेलल लेंथ आपकी, पैरेलल सब कुछ। तो टू डिस्प्ले पिक्चर इन इट्स ट्रू शेप एंड वेल ओ साइज, ठीक है, यानी लेंथ साइज सब कुछ इक्वल आए। तो वैन एक और चीज़, व्हेन प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन देयर इज कॉल्ड अ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वो होता है जब आप किसी चीज़ को परपेंडिकुलर देखते हैं, लाइक ये पेन है, अब आप इसको कैसे देख रहे हो, ऊपर से डाउन से देख रहे हो, यानी परपेंडिकुलर आ गया एक तरह से, मेरी फिंगर देखो एक तरह से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप जो ये प्रोजेक्शन देख रहे हो यहाँ से, ये होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल से शो करता हूँ। अब देखिए ये आपका आ गया पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर, जिसके अंदर जैसे कि आपका एक तो परपेंडिकुलर देख रहे हो तो आपका ऑर्थोग्राफिक हो गया, ठीक है, एक यहाँ से देख रहे हो, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट से, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए से देखते हो तो आपको एक्चुअली क्या दिखेगा ऊपर से, तो आपको जो बी नंबर का डायग्राम दिख रहा है वो ही एज इट इज दिखेगा ऊपर से, जो आप 2D प्लेन में बनाने वाले हो। तो ये प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलता है, लाइक आप अब देख रहे हो बी डायरेक्शन से, तो बी डायरेक्शन से क्या दिखेगा आपको कि आधा तो ऊपर का हिस्सा और पूरा नीचे का, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो, ऊपर छोटा सा हाइट आ रहा है एक क्यूब का आपका, और एक साइड में आधा स्पेस खाली है, तो इस कारण ये आपको सी डायग्राम देखने को मिल रहा है। और आपका डी वाला जो पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो, तो यहाँ से आप देखोगे तो राइट साइड में देखने को मिलेगा ये बॉक्स, और आगे वाला हिस्सा खाली है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ देख सकते हो, और यही होता है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफी तो आपने देख लिया, जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाए, बट ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन आर दोज प्रोजेक्शन इन विच यू डोंट सी द राइट एंगल प्रोजेक्शन, और वी कैन से परपेंडिकुलर नहीं देखने को मिलेगा, बट आपका किसी भी एंगल में हो सकता है, यानी नॉन राइट एंगल आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको फ्रंट टॉप सरफेस देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग हाइट विड्थ एंड डेप्थ आपको देखने को मिलती है, लाइक आपको एक प्रोजेक्शन दिख भी रहा होगा, है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर, और जो आपकी वो लंबा सा प्लेन दिख रहा है ना, वो आपकी सरफेस है एक तरह से, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ शो करके दिखा रखी है इन लोगों ने, ठीक है। और अच्छे से समझाता हूँ आपको ये चीज़। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखो, नीचे जो आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है बाहर, और ये आपका ये है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि आपकी सरफेस आपकी सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ही दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको एक प्लेन दिख गया, ठीक है, एक आपका जो जा रहा है कुछ पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ, वो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये नॉन राइट एंगल आपको देखने को मिलता है, जबकि आपको ऑर्थोग्राफिक में परपेंडिकुलर चीज़ देखने को मिलती है। तो आप ये हो गई ऑर्थोग्राफिक, और ये हो गया आपका ऑब्लिक्यू, ओके। अब इन सब के फर्दर टाइप है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आइसोमेट्रिक, जो आपका आता है ऑर्थोग्राफिक के अंदर। तो जितने भी प्रोजेक्टर्स है, मैक इक्वल एंगल, जनरली एंगल इज 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो आपके आइसोमेट्रिक के अंदर आते हैं। प्रोजेक्टर्स यानी कि जितनी भी लाइन्स जाती है आपके, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। डायमेट्रिक से समझ में आ रहा होगा, दो यानी कि दो प्रोजेक्टर्स के इक्वल एंगल होंगे, वो आपके यहाँ पर डायमेट्रिक के अंदर आते हैं, ठीक है, ऑर्थोग्राफी की है। ट्राइमेट्रिक, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक अनइक्वल एंगल विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो मेन एक्सिस होती है उससे अनइक्वल एंगल बनाता है, वो आपके ट्राइमेट्रिक के कंसीडर में होते हैं। अब बात करूँ ओब्लिक्यू, जिसके अंदर परपेंडिकुलर वर्क नहीं होता है, तो उसके अंदर जनरल के अंदर फर्दर टाइप देखे थे अपने, कैवेलियर और कैबिनर, ठीक है। तो कैवेलियर आता है, ऑल लाइन्स परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन आर प्रोजेक्टेड विथ नो चेंज इन लेंथ, यानी कि लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा,
वो आपके आ गए कैवेलियर के अंदर। और ऑल लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन आर प्रोजेक्टेड टू वन हाफ ऑफ देयर लेंथ, यानी कि कैबिनेट के अंदर वो आते हैं जिनका मतलब लेंथ लेंथ से उनका हाफ हो आपका प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। एंड दिस गिव अ रियलिस्टिक अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि कैबिनेट आप यूज करते हो इट लुक्स लाइक वेरी रियल, बिकॉज जो उसकी एक्चुअल लेंथ होती है आपकी जो भी चीज़ है उसकी, तो उसका हाफ लेंथ से ये शो करता है कैबिनेट आपका। तो इतना आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब सफिशियंट है प्रोजेक्शन के अंदर। इतना लिख दोगे तो भाई एग्जामिनर को तो मजे आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।